अपने चुनावी घोषणा पत्र में जजपा ने हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का वादा किया था, जिस वायदे को पूरा करते हुए जजपा सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने कल विधानसभा में बिल पेश कर पास करवाया, जिसको लेकर अम्बाला में जजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और पटाखे छोड़कर इस खुशी को मनाया। उन्होंने कहा कि युवाओं को इससे खूब फायदा मिलेगा। अब हरियाणा के निजी उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां हरियाणा के युवाओं को मिलेंगी। ये बिल एक दुष्यंत भाई साहब एक अकेले आदमी ऐसे हैं जो अपना वादा पूरा करके जा रहे हैं। जो 75% युवाओं के रोजगार के लिए दुष्यंत भाई साहब ने कहा था, वो कल उन्होंने अपना बिल पास करवा के वो उसकी जीत हासिल कर ली है। जितने भी हमारे हरियाणा से जितने भी युवाएं पढ़ रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं भी उनको जॉब नहीं मिलती, लेकिन इस 75 जो बिल इन्होंने पास किया है उसके अंदर उनको बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। जितने भी हमारे होंगे, ज़्यादातर 75% हरियाणा के होंगे। नहीं, पहले ज़्यादातर यही होता था कि सब बाहर के होते हैं और जो हरियाणा के होते हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। जो ये कल विधानसभा में 75% हरियाणा के बच्चों के लिए रोजगार में प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण हुआ है, इसके लिए मैं दुष्यंत जी का और हरियाणा के सभी विधायकों जिन्होंने इसमें साथ दिया उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि दुष्यंत जी जितनी लगन से और मेहनत से इस कानून को बनवाने के पीछे उन्होंने अपने इलेक्शन के टाइम में ये वादा भी किया था नौजवानों से कि मैं ये कानून बनवाऊंगा, और उन्होंने अपना वादा ये पूरा करके दिखाया है। इसी प्रकार और भी जो उन्होंने वादे किए हैं, हमें पूरी उम्मीद है वो भी दुष्यंत जी चंद दिनों में अपने पूरा करने का काम करेंगे। मैं सभी पार्टी वर्करों का और जिन्होंने विधानसभा में इन कानूनों को पास करवाने में मदद की उनका सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कितना फायदा आप देखते हैं हरियाणा का इन कानूनों से? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा जी। अब तक जो भी बड़ी इंडस्ट्री आती थी वो अपनी स्टेट से ही ज़्यादातर बंदे लेके आते थे, अब उनके ऊपर एक ये लिमिट रख दी गई है कि 75% उन्होंने हरियाणा के लेने हैं, तो हरियाणा से आएंगे तो अपने बच्चे आएंगे, कोई कहीं किसी भी ज़िले का आए हरियाणा का तो होगा कम से कम, तो इससे आने वाले पीढ़ी को आने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहें यस टीवी।